नमस्कार, मैं हूँ रेखापाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों का आज आठवां दिन है। इस बीच सबसे बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। यहाँ भारतीय छात्रों को ट्रेन पर चढ़ने से रोका जा रहा है। खार्किव में लगातार हमले तेज हो गए हैं और अभी भी करीब 200 छात्र यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हालात कितने बिगड़ गए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर खतरे का सायरन बज रहा है। खार्किव में रूस की भारी बमबारी जारी है। वहाँ बच्चों समेत 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय ने बयान दिया है कि लड़ाई अभी जारी है। इस बीच यूएन ने दावा किया है कि यूक्रेन में 1 मार्च से अब तक रूसी हमलों में 752 नागरिक मारे गए हैं। वहीं रूस के 498 सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई है। हमले के साथ ही शांति की कोशिशें भी चल रही है। दोनों देशों के टॉप अफसर बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने मांग की है कि रूस को ग्लोबल इंटरनेट पर भी बैन किया जाए जिससे उसके झूठ का प्रचार रुके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 हफ्ते पहले 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सख्त मिलिट्री एक्शन शुरू करने का ऐलान किया था जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद से लगातार रूस के जवान यूक्रेन की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं हवाई हमलों से यूक्रेन के बुलंद हौसले तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।